वेलकम टू डीएम ऑटो कॉर्नर। और आज आप देख रहे हैं 2023 की लेटेस्ट मॉडल बजाज डोमिनार 400 सीसी, जो कि एक टूरिंग बाइक है। आप इसको टूरिंग में यूज कर सकते हैं। इस बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड कितने तक जाती है और साथ में इस बाइक की डिटेल में ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो जैसा कि एक टूरिंग पर्पज़ के लिए इसको कंपनी ने बनाया है, तो यहाँ पर आपको बड़ा सा ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड का ग्लास मिलता है हवा को रोकने के लिए। इसी के जस्ट साइड में यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के स्टिकर मिलते हैं और हाथों की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर कंपनी ने ध्यान दिया है, जबकि इसमें आपको मिल जाते हैं नकल गार्ड। जब भी आप बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में बाइक को चलाते हैं, तो आपकी जो उंगलियाँ हैं वो सुरक्षित रहती हैं। ये जो साइड मिरर हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो फुल स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है लो बीम और हाई बीम के साथ। सेंटर में आपको हाई बीम मिलती है, बाकी अगल बगल में आपको लो बीम का सेटअप मिल जाता है। एलईडी डीआरएल यहाँ पर कंपनी ने नहीं दिए हैं। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैट ब्लैक कलर यहाँ पर लगेगी आपकी नंबर प्लेट, एलईडी वाले टर्न फ्लैशिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं और इसके साथ इसमें आपको हैजार्ड नहीं मिलेगा। आगे वाला जो मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर और पीछे वाला हिस्सा आपको मैट ब्लैक कलर में मिलता है। इसके फ्रंट में आपको 43 mm डायमीटर के टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन USD फॉर्क मिल जाते हैं, जिसमें 135 mm का ट्रेवल, 300 mm की डिस्क मिलती है, वाइब्रे के कैलिपर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको 110/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। फ्रंट में 17 इंच का डायमंड कट एलो दिया गया। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है स्पीड सेंसर। बाइक के कर्व वेट की बात करें तो इस बाइक का वजन है 193 किलोग्राम, जो कि बुलेट 350 के लगभग बराबर है, जो कि क्लासिक में भी लगभग आपको मिल जाता है 196 kg। और बाकी इसके पेट्रोल टैंक के ऊपर में यहाँ पर आपको मिलता है टैंक पैड, ग्रीन कलर में टैंक मिलता है। यहाँ पर आपको डोमिनार का 3D में लोगो क्रोम के साथ पूरा का इसमें फाइबर बॉडी का ही सेटअप मिलेगा और इसमें 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, 13 लीटर इसमें पेट्रोल आता है। यहाँ पर छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको घड़ी मिल जाती है, ओडोमीटर ट्रिप मीटर मिल जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है कि बाइक कौन से गियर में चल रही है। लेकिन गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको जो है वो डोमिनार 250 में नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आपको इंजन के नीचे में मेन हेडलाइट और नीचे में सेल्फ स्टार्ट का बटन है। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुने। इस बाइक का साउंड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसकी जो हैंडल वार है वो आपको नॉर्मल मिलती है और इसमें आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए, अगर आप इससे लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो मोबाइल को भी USB लगाकर डेटा केबल लगाकर चार्ज कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको बेव की मिलती हैं, जैसा कि इसमें डोमिनार की ब्रांडिंग भी दी गई है और डिजिटल यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाती है और इसी के साथ में यहाँ पर आपको फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, RPM मीटर, इंजन केल अभी यहाँ पर ऑन है और यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। टैंक के ऊपर में जो छोटी डिस्प्ले मिलती है वहीं पर आपको दो सेपरेट बटन मिल जाती हैं। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर नहीं मिलता है। ये बाइक 28 से 32 का माइलेज देती है। नीचे में आपको RPM लिमिट, एरर इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन की लाइट और यहाँ पर आपको हेडलाइट की वार्निंग की लाइट भी देखने को मिलती है। बाकी ये जो बाइक है वो 165 की टॉप स्पीड तक चली जाती है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल के होल्डर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ये है इसका पूरा का पूरा विंडशील्ड। और यहाँ पर आपको मिलते हैं काफ़ी स्टाइलिश साइड मिरर। और स्विचेस की बात करें, यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। और यहाँ पर जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। और इसके साथ ही व्हील बेस है इस बाइक का 1453 mm का और पीछे में स्प्लिट LED टेल लाइट मिलती है और LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी पीछे में यहाँ पर आप जो है वो एक जो बॉक्स आता है और जो टूरिंग वाला, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं 4 पेचों के माध्यम से। पीछे में आपको छोटा सा बैक रेस्ट मिल जाता है। बाकी सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो पीछे वाली और आगे वाली जो सीट है वो आपको स्प्लिट में मिलती है। इसमें आपको 800 mm की सीट एड मिलती है। सीट काउल के ऊपर में D400 का 3D क्रोम में लोगो और इसी के साथ ही अभी मैं चाबी को ऑफ कर देता हूँ। इसमें आपको पेरीमीटर फ्रेम मिल जाता है। बाइक के जो फुटपैक्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल मिलते हैं, थोड़े से पीछे की तरफ और थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। 157
mm की ग्राउंड क्लियरेंस DTSI ट्रिपल स्पार्क वाला ये इंजन है। हालांकि नॉर्मल बाइक में आपको 2 स्पार्क प्लग मिल जाते हैं, इसमें 3 स्पार्क प्लग आपको मिलते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें जो इंजन गार्ड है ये आपको ड्यूअल टोन कलर में मिलता है, मेटल और प्लास्टिक के साथ। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो इंजन है वो पूरी तरह से लिक्विड कूल्ड वाला है। इसमें कूलेंट को डाला जाता है। इसमें 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया है, जो 40 PS की मैक्स पावर देता है 8,800 RPM पर, 35 Nm का टॉर्क पैदा करता है 6,500 RPM पर। एक साथ में आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है और इसी के साथ ये बाइक 170 की टॉप स्पीड तक चली जाती है। पीछे में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स वाला सस्पेंशन, यहाँ पर आपको मड फ्लैप। एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्विन बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, जिसमें पूरा का पूरा मेटल बॉडी का ही इस्तेमाल किया गया, कहीं पर भी आपको फाइबर देखने को नहीं मिलेगा। पीछे वाले व्हील की बात करें तो 230 mm की डिस्क मिलती है, पीछे भी ABS मिलेगा और 150/60/17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। 17 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील दिया गया है। ये डायमंड कट एलॉय आपको 250 Dominar में नहीं मिलेगा। बाकी टायर की मोटाई 150 mm जबकि डोमिनार 250 में 130 mm का। बाकी साइड में आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड और एडजस्टेबल फुटपैक्स, यहाँ भी आपको मिल जाते हैं प्लियन के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 6-speed गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है। बाइक में 6 गियर मिल जाते हैं, 4-valve वाला इंजन है और इसमें साइड स्टैंड आपको मिलता है। इसमें मेन स्टैंड कंपनी ने नहीं दिया गया क्योंकि ये वजन के हिसाब से काफ़ी भारी है, मेन स्टैंड पर खड़ा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है मेरे हिसाब से। तो बात करें इसके प्राइस की तो बजाज डोमिनार 400 cc की एक्स शोरूम कीमत है 225,733 रुपये, ऑन रोड कीमत है 276,426 रुपये। रोल्टा बजाज बागुई हाटी BIP रोड कोलकाता शोरूम की मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और DM ऑटो कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।